सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। आइए दोस्तों, आपको आज हम बताएंगे अपोलो टायर्स लिमिटेड के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो आने वाले समय में टाइटन बन सकती है। इसके बारे में शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, अपना एनालिसिस करने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज अपोलो टायर आज 278.70 रुपीज़ में इसका ओपनिंग हुआ है। शॉर्ट में इसको मैं बताता हूँ आपको क्या उसका ओपनिंग है, क्या हाई है। आइए, यह moneycontrol.com पर आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अपोलो टायर है आज 271.65 का ही ओपनिंग था, 279.95 इसका हाई गया। इसका जो बुक वैल्यू है शेयर का 185.04 इसका ये बुक वैल्यू है। जो कंपनी है अब तक 2000 से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कंपनी में, ये जो कंपनी इसमें FII का जो होल्डिंग है वो 20% है और म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है इसमें 30% से ज़्यादा है, 13% ज़्यादा है। देखिए, इसमें आज दिखा रहे आपको वॉल्यूम क्या क्या कंपनी मारा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें आज 29 लाख का वॉल्यू मारा गया, कम शेयर में 29 लाख का वॉल्यू मारा जाता है जो कंपनी अच्छी होती है, जैसे रिलायंस पावर, रिलायंस, अडानी ग्रीन, अडानी ग्रुप, ये सब कंपनी में इतना ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यू मारा जाता है। कल इसमें 38 लाख का वॉल्यू मारा गया था, एक वीक का जो एवरेज है 36 लाख का वॉल्यूम यहाँ मारा गया है, वन मंथ का एवरेज में इसे 55 लाख का वॉल्यूम मारा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ वॉल्यूम मारा जा रहा है। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ने पिछले एक साल में 23% का रिटर्न दे चुकी है और क्वार्टर थ्री ईयर में 53% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। वन मंथ में कंपनी देख सकते हैं 10% से ज़्यादा का कंपनी ने रिटर्न अब तक दे चुका है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं, इसके जो ब्रोकर भी हैं इस कंपनी में पहले से ब्रोकर लगे हुए हैं कंपनी में, उन्होंने एनालिसिस किया है। जैसे ब्रोकर रिसर्च, किस ब्रोकर ने कंपनी पर रिसर्च किया है यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये ICICIdirect.com है, इन्होंने बाई किया है, इमकेयर ग्लोबल फाइनेंशियल ने बाई किया है, शेर खान ने बाई किया है। आप शेर खान को जानते होंगे, बहुत ही बड़ा ब्रोकर है। ICICIdirect.com ने बाई किया हुआ है, शेर खान, इस सब कंपनी ने यहाँ पर ब्रोकर ने सॉरी बाई करके ये पल्ले से बैठे हुए हैं। इसमें अच्छी चीज़ क्या है, देखिए इसमें यहाँ पर सेलिंग परचेजिंग दोनों हुआ है। जैसे कर सकते हैं, यहाँ परचेज, फिर यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल, ये परचेज 48,000 का यहाँ पर सेल, तो यहाँ पर सेलिंग परचेजिंग इस कंपनी में चल रही है। आइए आपको हम आगे बताएं, आपको भी हम बताएंगे कंपनी अब तक कितना रिटर्न कंपनी दे चुकी है। देखिए, कंपनी का जो इनसाइडर है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार सेलिंग परचेजिंग दोनों हो रहा है। कंपनी में 16-17 सितंबर 2021 में सेलिंग परचेजिंग यहाँ पर हुआ है, क्योंकि ये पहले का है तो मैं आपको इसको बताना ज़रूरी समझता। आइए आपको मैं आगे बताऊँ इसके बारे में शॉर्ट में। देखिए, कंपनी यहाँ पर लगातार बोनस दी है, ये कंपनी का बेनिफिट है कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को सॉरी डिविडेंड दी है, बोनस भी दी है और डिविडेंड दी है। देख सकते हैं किस प्रकार कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर 2018 में 3 रुपये का डिविडेंड दिया पर शेयर, 3.25 रुपये का डिविडेंड दिया है, फिर यहाँ 3 रुपये का डिविडेंड दिया है, 21 में 3.50 रुपये का डिविडेंड दिया और 22 में यहाँ पर 3.25 रुपये कंपनी ने यहाँ पर अपना डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो बोनस है, कंपनी ने बोनस में कुछ नहीं दिया हुआ, स्प्लिट कंपनी का एक बार हुआ 2007 में, कंपनी ने स्प्लिट कंपनी में हुआ था। जैसे कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है, क्वार्टर रिजल्ट 12 अगस्त 2022 को क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का आ चुका है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आइए आपको मैं, देखिए कंपनी का ये इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, लगभग सभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी का जो फंडामेंटल है ये स्ट्रांग है। कंपनी में जो FII होल्डिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, देखिए ये जो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर दिखा रहा है, प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का केवल 37% है और यहाँ पर जो FII फॉरेन इंस्टीट्यूट जो होल्डिंग है वो 20.71% है। यहाँ पर जो DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का होल्डिंग 19% है और यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग केवल 22%। आप देख सकते हैं इस कंपनी में
पब्लिक होल्डिंग इतना ही है। आपको मैं दिखा रहा हूँ इस कंपनी में ग्रो पर चलते हैं, और इसमें ग्रो पर आपको मैं दिखाता हूँ इस कंपनी के बारे में। देखिए मैंने ग्रो पहले से खो रखा है। ये जो कंपनी है यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कर्सर के पास देखिए, ये जो कंपनी है 2002 में करीब कंपनी का प्राइस 12 या 13 रुपया था। देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का प्राइस 12 और 13 रुपया था, जो कि कंपनी अब तक जो रिटर्न बना कर दे चुकी है वो धमाकेदार रिटर्न दे चुकी है। इसको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए कंपनी का रिटर्न 2457% का कंपनी अब तक रिटर्न दे चुकी है। सोचिए 2457% का कंपनी अब तक रिटर्न दे चुकी है 2022 सितंबर तक। कंपनी का धमाकेदार है ये कंपनी, आने वाले समय में टाइटन बन सकती है। एक अच्छा मौका है, आप कंपनी का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद आपको कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिए। और इसके जो पीयर कंपनी है जैसे बालकृष्णन इंडियंस हैं, MRF, MR का टायर आता है जो कि 81,000 रुपये तक पहुंच गया है। सीट है JK टायर एंड इंडियन, इस कंपनी इसके पीयर कंपनी है। ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, और इसमें जो मार्केट कैप है कंपनी का, मार्केट कैप करीब 17,000 करोड़ से प्लस होगा। आइए देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप क्या है। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने पहले कंपनी को देखा था, सोचा कि दोस्तों को बता दूं, 17,700 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है, ऐसे वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहेगा। मित्रों वीडियो बनाने में समय लगता है तो हमारा मोटिवेशन जरूर बनाइए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।